हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित खरवार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि आज का वीडियो किसके ऊपर है, फ्रीलांसर के ऊपर है कि आप फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं और वहां से आप अर्न कैसे कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आप मतलब ये वीडियो कॉमर्स, आर्ट, साइंस सबके लिए है, बट स्पेशल है साइंस वालों के लिए जो BSc IIT, BSc CS, BCA जैसे कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। क्या क्यों स्पेशल वीडियो है ये मैं वीडियो के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्रीलांसर होता क्या है। तो फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर वो होते हैं जिनका मतलब खुद का समय होता है, खुद का जगह होता है और वो काम खुद का, वो जो काम रहता है उनका, जो साइड से काम मिलता है, वो एक डेडलाइन होता है उस टाइम पे। वो कभी भी कहीं भी बैठ के कहीं से भी, बस उनके पास फोन और लैपटॉप होना चाहिए, तो उनको हम लोग फ्रीलांसर बोलते हैं। कि वो ये तो आपको समझ में आ गया, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कौन कौन सी स्किल्स मैंने चूज किए हैं फ्रीलांसिंग के लिए। ये टॉप स्किल्स है, अभी चल रहे हैं काफी, तो मैं इसको चूज करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसके बारे में आज थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कौन कौन से स्किल्स है, जो ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइन, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है बेसिकली? ग्राफिक डिजाइनिंग वो होते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ऐसा दिख रहा है कार्टून, मतलब लड़का खड़ा है, पूरा एनिमेशन दिख रहा है आपको इधर साइड में, ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसको हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफिक डिजाइनर, जो इसका काम करता है, ये जो ग्राफिक का काम करता है उसे हम ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ग्राफिक डिजाइनर क्या होते हैं? जैसे आपने वेक्टर इमेज, आपको पता है वेक्टर इमेज क्या होता है? जैसे कैरी मिनाटी का आपने देखा होगा चैनल पे, उसका जो इमेज है, फोटो रहता है, वो कैसा है? कार्टून टाइप का है ना, तो उसको हम लोग वेक्टर इमेज बोलते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूबर यूज करते हैं और वो भी काम अपना ग्राफिक डिजाइनर का होता है, वो भी काम अपना ग्राफिक डिजाइनर का होता है। और जो बैनर्स बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ये सब जितने भी काम से है ना, वो सब ग्राफिक डिजाइनर के होते हैं। और कुछ आपने देखा होगा कि ऐसा कार्ड वगैरह पे, इनविटेशन कार्ड पे थोड़ा एक इलस्ट्रेशन, मतलब फोटोज टाइप बना रहता है, कुछ समथिंग लाइक कार्टून टाइप्स वगैरह से कुछ बने रहते हैं, वो सब क्या रहता है? काम ग्राफिक डिजाइनर का रहता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर का काम ये है। और ऐसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो वो है आपका वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट क्या होता है? तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, एक मैं सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स ये होता है, इसमें क्या होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं और एक बैक एंड डेवलपर होते हैं, ठीक है। क्या? एक फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं और एक बैक एंड डेवलपर होते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, आपने देखा होगा कि वेबसाइट वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसको जो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसको क्या, उसको जो डिज़ाइन करते हैं वो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के काम करते हैं, ठीक है। तो वो डिज़ाइन करने का, और जो आपको दिखता है इन द फ्रंट, जो आप आंखों से देख सकते हैं, उनका, उनको क्या बोलते हैं, उन डिज़ाइनर को फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। जो आपको दिखता है स्क्रीन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, एक गाड़ी है, ठीक है, एक कार है। अभी कार का जो आपको पार्ट दिख रहा है सामने कैसा है, मतलब उसके पार्ट कैसे हैं, उसके व्हील्स कैसे हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी है, वो आपका क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। क्या हो गया? फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। मतलब एग्जांपल के थ्रू आपके बता रहा हूँ, एक कार है तो इसका सब डिज़ाइंस वगैरह, ये आपका फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। और जो कार के अंदर का इंजन होता है, ठीक है, जो कार के अंदर का इंजन होता है, वो आपका हो गया बैक एंड डेवलपर। क्या हो गया वो? बैक एंड डेवलपर। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बैकएंड डेवलपर? फ्रंट एंड डेवलपर में आपको जो दिखता है, मतलब जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, जो भी चीज़, फोटोज और उसके होम स्क्रीन और ये सब डिजाइनिंग, होम और जो भी रहते हैं ऑप्शंस, वो सब ऑप्शंस दिख रहे हो, क्या हो गया आपका? फ्रंट एंड डेवलपर। तो बैक एंड डेवलपर का काम होता है, जो करते हैं, जो मतलब मैनेज करते हैं कि न्यू फाइल बनाना है, कौन से फाइल को इम्प्लीमेंट करना है, अपडेट करना है, तो वो सब काम किसका होता है? बैक एंड डेवलपर को। और जो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, जिसको दोनों आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है। एक सिंपल वर्ड में, जो वेब को डिजाइन करता है, मतलब जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, उसको हम लोग वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर।
ऐसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट के तरफ, तो वो क्या है, डाटा एंट्री। अभी डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा एंट्री जैसे बेसिकली वो एक कंपनी है, ठीक है, तो उनके पास बहुत ज्यादा डाटा हो गए और मतलब उसको, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा डाटा एंट्री मतलब किसी को बैठ के एक कंपनी का डाटा को एंट्री करना है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं उसको एक फाइल में, एक्सेल में, ये सब में पूरा एंट्री करना, तो होता है डाटा एंट्री। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के, नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, तो आपका हो गया कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होता है, बेसिकली कंटेंट राइटिंग ये होता है कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज बहुत बढ़िया से आता है, जैसे हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, हो गया मराठी, हो गया, ठीक है, तो अगर कोई भी लैंग्वेज आपको बढ़िया आता है, जैसे जापानीज हो गया, चाइनीज लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, तो वो उस उधर क्या जरूरत पड़ती है, कंटेंट राइटर का जरूरत पड़ता है। और कंटेंट राइटर मतलब अगर कोई वीडियोस वगैरह हो गया, कंटेंट लिखना रहता है आपको, अच्छे से लैंग्वेज आता है, तो एक वीडियो, एक चीज को दूसरे में ट्रांसलेट करने को उधर कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगा यहाँ पे, देख लेना कि कंटेंट राइटर के क्या क्या काम है और किस किस फील्ड में आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा इमेज फटा हुआ है लेकिन फिर भी आपको समझ में तो आ ही जा रहा होगा, ठीक है। और तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, हम लोग एक स्पेसिफिक ऑडियंस को फोकस करते हैं। मतलब जैसे मैं बता देता हूँ, अगर मुझे फेसबुक पे कोई फोटो मतलब किसी ऑडियंस को दिखाना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, प्रमोट करूँगा। तो वो सब किस में आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आता है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो हमें अगर स्पेसिफिक वीडियो दिखाना है, जैसे मुझे प्रमोट करना है, अभी मुझे दिखाना है ये वीडियो सिर्फ 11 12th के बच्चों को, तो मैं उनको ही दिखाऊंगा। तो ये सब किसके थ्रू होता है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत कुछ आते हैं, तो ये आपको डिटेल में सीखना पड़ता है। और ये इस समय बहुत, बोलते हैं ना, बहुत डिमांडेड कोर्स है इस समय, जो इसको सीख रहा है, बहुत सी कंपनी हायर भी कर रही है डिजिटल मार्केटर को, जो पूरा ये काम कर सकता है, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एनिमेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिमेटर आपके स्लाइड यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा भी मारा है। तो एनिमेटर क्या होता है, जो एनिमेशन बनाते वो एनिमेटर होते हैं, तो एनिमेशन बनाने वाले एनिमेटर होते हैं। तो अगर आपको ये सीखना है, तो इसके पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग आएगी तो आप एनिमेटर को और अच्छे से समझ में आएगा और आप और अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो एनिमेटर समझ गया, ऐसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के तरफ, तो वीडियो और फोटोग्राफी। वीडियो और फोटोग्राफी क्या हो गया, समझ लो अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे वीडियो, अपना वीडियो निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, किसी एक स्पेसिफिक वीडियोग्राफर का मुझे जरूरत पड़ेगा कि हाँ मुझे वीडियो निकालना है, मुझे कुछ प्रोफेशनलिज्म के साथ वीडियो निकालना है, तो मुझे एक वीडियो कैमरामैन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आके वीडियो निकालेगा। और ऐसे ही होता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफर क्या होता है, जो फोटोज निकालते हैं, ठीक है, जो फोटोज निकालते हैं, वो भी एक स्किल हो गया आपका, फोटोज निकालने का भी एक स्किल होता है। तो ये सब में अगर आपको प्रोफेशनली करना है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, बिजनेस अकाउंट, जहाँ पे अगर आप ये सब, अगर आप फोटोग्राफर हो, अगर आप वीडियो शूट करके डालते हो, अच्छे वीडियोस, अच्छे से आप वीडियो शूट करते हो, हर एक पोज से, हर एक पोजेस वगैरह से, तो वो सब वीडियो और फोटोग्राफी अगर आपको प्रोफेशनलिज्म में करना है, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनाओ और करो। अगर कि मतलब कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको वर्क दिखाना रहता है कि आपने क्या क्या किया है, तो ये आप वहाँ पे अपने क्लाइंट को शो कर सकते हो कि मैंने, हाँ ये फ़ोटो ऐसे निकालते हैं, ये फ़ोटो ऐसे निकाला है, तो ये आप वहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे इसमें समझ में आएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो, ठीक है। ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग सिंपल है, आज के टाइम पे आई थिंक, मुझे लगता है छोटे से बच्चे से बच्चे फोटो एडिटिंग करना सीख गए हैं, अपना अजीब अजीब से बाले बना के, ब्राउन बना के डालते हैं इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक पे। और ऐसे होता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, जैसे मैं अभी वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैं एडिट करूंगा, उसके बाद मैं डालूंगा। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा, बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको इस पे मिल जाएंगे, YouTube पे मिल जाएंगे। आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, अगर आपको बेसिक लेवल पे सीखना है, तो आपको बहुत मिल जाएगा। अगर आपको प्रोफेशनली, अगर आप इसको सीखते हो वीडियो एडिटिंग, तो आपको ये स्किल फ्रीलैंसिंग के तौर पे आप काम कर सकते हो। और मैं किस 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 वेबसाइट पे आप जाके काम कर सकते हो, मैं उसके बारे में इस पर बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से है, जैसे हो गया ऐप डेवलपर। ऐप डेवलपर क्या है, अभी जो ऐप बनाता है उस ऐप डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। तो
क्या हो गया ये, अगर अभी देख रहे हो कि बहुत से बिजनेसेस खुल रहे हैं, बहुत लोग अपना अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको ऐप चाहिए, अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या चाहिए, ऐप चाहिए। तो अगर आप ऐप बना सकते हो, वो लोग भी ऐसे ही साइट पे आते हैं, freelancer.com करके साइट है, अब वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आने के बाद ढूंढते हैं कि कौन अच्छा काम करता है, कौन अच्छा ऐप बनाता है, तो वो लोग भी हायर करते हैं ऐप बनाने के लिए। अगर आप ये भी सीख सकते हो ऐप बनाना, मतलब ऐप डेवलपर बन सकते हो, और साथ में ही आप SEO भी कर सकते हो। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी उससे रिलेटेड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, अगर आपको कोई इस पे बहुत अच्छा किसी लैंग्वेज का नॉलेज, जैसे फ्रेंच का ये वगैरह, ये सब भी फ्रीलैंसिंग हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो भी स्किल्स है ये सब सीखो। और मैंने बोला था कि BSc IT BSc CS और BCA के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपके साथ जो बाकी के 60 स्टूडेंट्स हैं उनका भी तो सेम रहेगा ना, मतलब जो उन्होंने पढ़ाई किया वो तो आपने भी पढ़ाई किया है, तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट क्यों करेगा अगर आपके पास ये स्किल्स है जो मैंने अभी बताए, इसमें से कुछ स्किल्स है, मतलब उनसे तो अलग रहेगा ना, आपके पास इतना स्किल्स है, तो अगर आप इसको इंटरव्यूअर को शो करोगे कि मेरे पास ये स्किल्स है, उनको अपना नॉलेज बताओगे, उनका अपना काम बताओगे, तो वो आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे आपको स्किल्स सीखने हैं, लेकिन इसमें से एक या दो स्किल आपको सीखना है जिससे आपको इंटरव्यू में आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगा, इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट करेंगे, और वो उसका वर्क भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे वर्क किए हैं, तो आपका, आप क्या अदर स्टूडेंट से एक अलग, मतलब आपका एक अलग इमेज बनेगा कि आपके पास ये है, मतलब ये स्किल्स है। तो समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंट था BSc और BSc कंप्यूटर साइंस और BSc BCA के स्टूडेंट्स के लिए, BSc IT स्टूडेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो स्किल्स बताए हैं, ये इवन मैं जो BSc वाले हैं, BSc IT CS और BCA वाले, इन लोगों के लिए इसमें स्पेशली रिकमेंड करूँगा, बहुत स्पेशली रिकमेंड करूँगा। और जो कॉमर्स आर्ट साइंस और बाकी बैकग्राउंड में है साइंस के, उन लोग के लिए भी रिकमेंड है, क्योंकि आप इससे अर्न कर सकते हो अपना, मतलब आपको कोडिंग्स वगैरह में, यहाँ पे क्या है, ये सब स्किल सीखने में बहुत मज़ा आता है अगर आप करोगे ना, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह ये सब, अगर इमेज वगैरह बनाने में खुद का बहुत मज़ा आता है, वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये क्या है, वो बुक में से पढ़ के नहीं करना पड़ता, ये सब मतलब ऐसे ही प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आता है वीडियो एडिटिंग करने में, तो मुझे भी इसमें से 2-3 स्किल आते हैं, जैसे मैं ये अपना इमेज एडिट कर लेता हूँ, और साथ में आपका वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे इसका वेबसाइट डेवलपिंग का नॉलेज भी है, तो अभी मैं भी इसको ऊपर सीख रहा हूँ, तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ BCA का, तो मुझे भी कुछ अपने में अलग चाहिए ना बाकी की स्टूडेंट्स में, तो मैं तो कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये करो। और इससे और कैसे, अगर आप इसको करते हो, अगर आप अच्छा सीख लेते हो, उसके बाद जो, और मैं अभी साइट बता रहा हूँ आपको, ये साइट पे आप जाके काम कर रहे हो, जैसे फाइवर हो गया, freelancing.com हो गया, और भी दो साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब साइट पे अगर जाके आप काम करोगे, तो अगर आपके पास स्किल है, आप वो काम दिखाओगे, अगर आप किसी क्लाइंट आपको मिल गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसके थ्रू, और काम करोगे ना, अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपकी ग्रेजुएशन तक में एटलीस्ट आपका पॉकेट मनी तो बन ही सकता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये सब स्किल्स के ऊपर काम करना है। तो ये जो मैंने आपके सामने स्किल्स रखे, ये एक बहुत स्पेशल स्किल है, आपको सीखना ही चाहिए, और अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप फ्रीलैंसिंग पे काम कर सकते हो, फाइबर पे काम कर सकते हो, और वहाँ से कुछ अर्न कर सकते हो, आप यहाँ से एटलीस्ट आप 5,000 to 10,000 तो अर्न कर सकते हो, अगर आपने स्किल डेवलप कर ली है, और आपका वहाँ पे अगर अच्छा प्रोफाइल बन गया ना, तो आप बहुत ज़्यादा अर्न करोगे, सीरियसली। आप मान नहीं रहे हो, $60-70 पे करते हैं सब लोग, इससे ज़्यादा भी पे करते हैं, अगर आपके जो प्रोफाइल है उस पर रेटिंग बहुत अच्छी रहेगी ना, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, जितने भी आपके क्लाइंट आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पे करते हैं, अगर आपका रिव्यू अच्छा है, आपका फ्रीलैंसिंग वेबसाइट पे आपके प्रोफाइल का रिव्यू अच्छा है, तो बहुत अच्छा पेमेंट करते हैं, $100, $150, तो आप समझ लिए, मल्टीप्लाई कर लो आप कितना होता है, $100, $150, $8,000-$10,000 आपको ऐसे ही एक काम करने के बाद मिल जाता है। तो ऐसे अगर आपको ढेर सारा काम मिलने लगे, तो आप इसे बिजनेस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सा विज़न अगर आप देख के चलोगे, बहुत लंबा विज़न रखोगे, बड़ा विज़न रखोगे, तो यहाँ से भी आप एक बिजनेस डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अपने कॉलेज लाइफ के थ्रू। तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरे स्किल्स पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए हर एक स्किल्स के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स करके बताना, तो मैं ये सब स्किल्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो
आपके लिए मैं लाके दे दूंगा हर स्किल्स के ऊपर। तो आप बस कमेंट्स करके बताना, अगर आपका कमेंट्स आया कि हाँ इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा और डिटेल में वीडियो आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।